हेलो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं मुदिता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक डिवाइन टैरो रीडिंग लेके, जो आपकी लाइफ में आपकी बहुत मदद करने वाला है, ग्रो करने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ में ग्रो करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज का टॉपिक मुझे आपके एंसेस्टर्स ने दिया है। आज का टॉपिक है कि इस वक्त आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके ब्लड लाइन से संबंधित हैं, वो इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आपका सुनना ज़रूरी है, अपने जीवन में अप्लाई करना ज़रूरी है। हमारे जो पूर्वज हैं ना, वो हमारी जड़ें होती हैं और वो हमेशा चाहती हैं कि हम खिलें, फलें, फूलें। इसलिए वो हमेशा सही गाइडेंस देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एंसेस्टर्स की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही होती है, वो इसलिए हो रही होती है क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। वो प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम सही, एक सही मोड़ ले लें जीवन में और सही दिशा में अग्रसर हों, ताकि हम स्पिरिचुअली ग्रो हों और इससे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो भी अगले डायमेंशन में मूव कर सके। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब मैं ये रीडिंग शुरू कर रही थी तो मुझे दो एंजेलिक नंबर बहुत ज़्यादा चैनल हुए, उसको मैं पहले आपको शेयर करना चाहूँगी। पहला जो एंजेलिक नंबर है वो है 108 108 108। जो एंजल नंबर है ये अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वन है, वन रिप्रेजेंट करता है बिगनिंग को, स्टार्ट को। नंबर जीरो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जीज को, और एट रिप्रेजेंट करता है सक्सेस को, अबंडेंस को, कर्म को। और 108 जब 108 एक साथ आता है, 108, तो इसे आप समझ सकते हैं यूनिवर्स की जो सारी वाइब्रेशन है वो 108 नंबर में है। जो भी आप माला लेते हैं चैंटिंग के लिए, उसमें 108 बीट्स होती हैं, 108 मोतियां होती हैं। ऐसा इसलिए होता है, एक माला में 108 मोतियां इसलिए होती हैं क्योंकि 108 में ये माना जाता है कि आप पूरे ब्रह्मांड की, पूरा जो आकाश है, इसकी परिक्रमा कर लेते हैं एक बार। क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र के चरण हैं, और जब इन सब का कैलकुलेशन होता है ना, तो 108 निकल के आता है। मतलब 108 में आप पूरे आकाश का एक परिक्रमा कर लेते हैं। तो 108 नंबर मुझे चैनल हुआ है कि इस वक्त आपको 108 एंजेलिक नंबर का यूज़ करना है। आप कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे 108 का यूज़ करिए। 108 बार अपने आराध्य देव का नाम चैंट करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा एंजेलिक नंबर मुझे जो चैनल हुआ है वो नंबर 13 है, 1 और 3। 1 रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य को, न्यू बिगनिंग को, अपॉर्चुनिटीज को, और 3 रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन को, ग्रोथ को, नॉलेज को। तो ये नंबर 13 भी मुझे रिसीव हुआ है आपके लिए, आपके एंजेल, आपके जो एंसेस्टर हैं उनकी तरफ से ही ये नंबर भेजा गया है। तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेज छुपा हुआ है। तो देख लेते हैं इस वक्त आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर इस वक्त, सबसे पहले तो जो सबसे पावरफुल मैसेज यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके एंसेस्टर्स के लिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। अगर ये वीडियो आप तक जाता है तो समझ लीजिए आपके जो पूर्वज है ना, वो आपसे ये बात खुद कह रहे हैं। मैं बस एक मीडियम हूँ, मुदिता एक मीडियम है। आपके एंसेस्टर आपको ये मैसेज पहुँचा रहे हैं क्योंकि आप वो पर्सन हैं जिसकी साइकिक एबिलिटी इतनी है, जिसकी एनर्जी ऐसी है, जिसके साथ वो डील कर सकते हैं, जिसके साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में किसी पर्सन की डेथ होती है तो हर किसी को वो व्यक्ति नहीं दिखता सपने में या किसी भी तरीके से। उसे अपनी कोई बात बतानी होती है तो वो किसी एक व्यक्ति को ढूंढता है जिसकी एनर्जी, जिसका सेंस इतना अच्छा है, जो प्योर सोल है, उसके पास ही कोई भी सोल जाती है अपनी बात को कहने के लिए। तो आप वो पर्सन है अपनी फैमिली में अगर आप तक ये मैसेज जाता है। आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपसे एक स्पेसिफिक मैसेज ये देना चाहते हैं कि वो आपकी फैमिली में किसी ऐसी सोल को एज अ चाइल्ड भेजना चाहते हैं जो आपके कुल का उद्धार कर सकती है, जो एक डिवाइन सोल है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ले एक ऐसा मैसेज रिसीव हो रहा है कि आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज जो 3D वर्ल्ड में नहीं है, जो काफी समय पहले इस जगत से जा चुके हैं, वो वापस अपने ही परिवार में, अपनी ही पीढ़ी में लौटना चाहते हैं एक बच्चे के रूप में।
ये वो आपको मैसेज दे रहे हैं। और वो एक ऐसी महिला के पास आना चाहते हैं आपके परिवार में, अगर वो फीमेल आप हैं तो मैं अभी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ उससे आप डिकोड कर सकते हैं, वरना आपके ही परिवार में ये एक ऐसी महिला के पास आना चाहते हैं जिसकी साइकिक एबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसको ड्रीम्स में अपने पूर्वज दिखते हैं। एक ऐसी महिला जो काफी खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, जो जो जिसका इंट्यूशन काफी अच्छा है, जिसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। आपके ही परिवार में ये आप हो सकती हैं, या आपके ही परिवार में एक महिला है जिसके पास आपके एंसेस्टर बालक के रूप में आना चाहते हैं, फिर से जन्म लेना चाहते हैं और अपने ही परिवार में आना चाहते हैं। और ये जो महिला है ये बहुत खूबसूरत है, ये कपड़े बहुत ही अच्छे से वियर करती हैं। इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, ट्रेडिशनल, अपनी जो परंपरा और संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने की क्वालिटीज़ हैं। ये अपने ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं, अपनी फैमिलीज की वैल्यूज को फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी संस्कृति या सभ्यता को भूल जाएं, इस तरह की महिला है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, इंट्यूशन बहुत अच्छा है। तो ये या तो आप है या आपके ही परिवार की कोई ऐसी महिला है जिसके पास आपके एंसेस्टर वापस आना चाहते हैं एज अ चाइल्ड, बालक के रूप में फिर से जन्म लेके अपने ही परिवार में आना चाहते हैं। जब कोई हमारे एंसेस्टर हमारे ही परिवार में लौट के आते हैं ना, तो वो अपनी पावर्स के साथ आते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, अपनी पीढ़ी का उद्धार करने के लिए। तो आपके ही कोई एंसेस्टर हैं जो काफी पावरफुल हैं और इस बार वो लौटना चाहते हैं। तो अगर आप ये हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने आपका चुनाव किया है। और अगर आप ये नहीं है तो आपके ही परिवार में कोई ऐसी महिला है जिसका ऑरा बहुत अच्छा है, जिसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, जो अपनी संस्कृति को अपनी परंपरा को आगे ले जाने वाली है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मुझे ये रिसीव हुआ है। और इसीलिए शायद इस रीडिंग को शुरू करने से पहले 108 रिसीव हुआ था। 108 का अगर आप सम करते हैं ना तो वो 9 होता है। और 9 मतलब देखिए 9 इस प्लैनेट का, इस 9 हमारे प्लैनेट्स हैं, इस ब्रह्मांड का बहुत ही यूनिक नंबर है 9, जिसको पूरी तरीके से डिकोड नहीं किया जाता। और जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में 9 माह रहता है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो 9 माह की यात्रा पे आना चाहते हैं, 9 महीने की यात्रा पे आना चाहते हैं, गर्भ में आना चाहते हैं। और ये व्यक्ति कौन है? जो भी है बहुत भाग्यशाली है। जब हमारे पितृ या पूर्वज लौट कर आते हैं ना, तो वो बहुत कुछ लेके आते हैं और बहुत कुछ करने के लिए आते हैं, कंप्लीट करने के लिए आते हैं चीज़ों को, अपने अपने कुल का उद्धार करने के लिए आते हैं। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये सूचना देना चाहते हैं, ये घोषणा करना चाहते हैं कि ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, अगर ये महिला जो आपके परिवार की है या आप ही खुद हैं, अगर इसका विवाह नहीं हुआ है तो इसके लिए बहुत ही शीघ्र विवाह प्रस्ताव आ सकता है। बहुत ही जल्दी इसकी शादी होगी और बहुत ही जल्दी ये कंसीव करेगी। और ये जो सोल होगी ये इसके ही ब्लड लाइन से, मतलब आपके ही ब्लड लाइन से, आपके ही पूर्वज, आपके ही एंसेस्टर हैं जो लौट कर आएंगे। यहाँ पे मुझे मेल की वाइब्स आ रही हैं। कोई मेल पर्सनैलिटी थी आपके परिवार की, कोई मेल पर्सनैलिटी थी और वो ऐसी पर्सनैलिटी थी कि लोग उसको फॉलो करते थे। वो इतना पावरफुल, फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि इतने अमीर होना या धन होना, फॉलो करना मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बात हर कोई सुनता है, जिसकी बातों का प्रभाव सब पर पड़ता है। कोई ऐसा मेल पर्सनैलिटी था, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, पॉजिटिव डोमिनेटिंग, हर कोई उसे इन्फ्लुएंस होता था सही करने के लिए। वो कई लोगों को सही रास्ते पे भी लाए थे, वो अपने लोग को गए, पर वो वापस लौटना चाहते हैं और वो आपके पास लौटना चाहते हैं या आपके परिवार में इस महिला के पास। और ये महिला जहां पे रहेगी वहां पे धन का अपार सोर्स बन जाएगा। जहां पे इसके कदम पड़ेंगे वहां पे समृद्धि, अपने आप समृद्धि आएगी, जैसे महालक्ष्मी की कृपा है इस महिला पे। जहां पे ये जिसका भी सपोर्ट कर देती है, जैसे एक ऐसी महिला होती है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी की दुकान में एंटर करे तो वहां पे भीड़ लग जाती है, खाली दुकान में भी भीड़ लग जाती है। एक चीज अगर वो परचेज कर ले तो सारी चीजें बिकने लग जाती हैं, बहुत ही कुछ इस तरह के इसके कदम हैं। ये आप हो सकती है या आपके परिवार की ही कोई महिला है। और अगर इनकी मैरिज नहीं हुई है तो इनके लिए ये मैरिज प्रपोजल आ रहा है। और अगर मैरिज हो चुकी है तो ये न्यूज आ रही है कि बहुत ही जल्दी ये इनके गर्भ में ये डिवाइन सोल आने वाली है।
इस वक्त आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज ना, जब मैं इसको डिकोड कर रही हूँ तो गूज बम्प्स हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ये जो भी सोल है आपके पितरों की, ये बहुत ही पावरफुल है, और ऐसा लग रहा है कि वो आपको इस मैसेज को फोर्सफुली डिलीवर करना चाहते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किस बारे में है ये? ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी में रहे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, रातों को नींद ना आना, घबराहट होना, सोच सोच के, सोचने का भी देखिए एक स्तर होता है, चिंता का भी एक स्तर होता है। चिंता का स्तर जब बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाता है, जब व्यक्ति के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है या चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती हैं, उस स्थिति में आप गए हैं, उस स्थिति में आप गए हैं। नाइन, यहाँ पे भी देखिए अगेन नंबर नाइन मुझे रिसीव हो रहा है, नाइन। और उस स्थिति में जाने के बाद आपके एंसेस्टर कहते हैं कि ये जो तुम्हारा सोचने का, चिंता का, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने का जो स्तर था, वो सीमा पार कर चुका है, मतलब अब वो एंडिंग पे पहुंच चुका है, और इसके बाद तुम्हें सेलिब्रेशन मिलने वाला है, खुशियां मिलने वाली हैं, उत्सव मनाने वाले हो तुम, फिर से अपने दोस्तों के साथ जीत का उत्सव मनाने वाले, खुशी को, उत्साह को, उमंग को। और नंबर थ्री, मैंने जैसा आपसे कहा 1 और 3, 13 नंबर भी मुझे रिसीव हुआ था, तो देखिए 3 कंफर्म है। खुशियां आपके लिए आ रही हैं, सेलिब्रेशन आपके लिए आ रहा है। आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी कोई इवेंट है जहां पे आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं और दिल खोल के खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अच्छे ड्रेस वियर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो एनर्जी है ये आपकी है, रिसेंट एनर्जी है, आप इस टाइम से गुजरे हैं। आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं कि ये जो एनर्जी थी ना, ये पीक पे जा चुकी है, ओवरथिंकिंग की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, एक लूप में फंस जाना या अपने थॉट्स के ही जाल में फंस जाना, वो पीक पे जा चुका है। अब इसका एंड होने का समय आ गया, और ये एंड होगा तभी आपके लाइफ में क्या आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशियां आ रही हैं। और थ्री ऑफ कप्स, इमोशनल जॉय, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस वक्त हमारे डिवाइन सोल के एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं, देखिए एंसेस्टर्स ना, जिस पर एंसेस्टर्स की कृपा होती है वो सच में इस जगत में बहुत ही समृद्ध होता है, बहुत ही खुश होता है, और जिस पे एंसेस्टर्स की कृपा होती है परमात्मा की कृपा से, तो वो सुखी भी होता है, और उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी संस्कारी होती है, अच्छी होती है। केवल धन होना संस्कार या बहुत सक्सेस नहीं है, आपकी जो न्यू जनरेशन है वो भी संस्कारी हो, ये असली समृद्धि होती है, क्योंकि वो आगे संसार को क्या देने वाली है ना। तो एंसेस्टर्स बहुत महत्व रखते हैं। मैंने आपको एंसेस्टर हीलिंग के बारे में भी बताया था कि एंसेस्टर क्या होते हैं, एंसेस्टर हीलिंग कैसे की जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग एंसेस्टर ब्लड लाइन हीलिंग क्या है इसका वीडियो एक बार जरूर देखें, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। एट ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, और ये किस बारे में है? सेवन ऑफ कप्स, ओके। सो आपके एंसेस्टर्स इस वक्त ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारे आइडियाज थे, जिसमें से यू आर कंफ्यूज्ड कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्योंकि देखिए कुछ जो आपके माइंड में आइडियाज हैं ये डेविल के हैं, ये नकारात्मक ऊर्जाओं के हैं, और कुछ आइडियाज और कुछ अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव हैं, सही हैं। मतलब जैसे आपके पास 10 विचार आते हैं तो उसमें से 5 कैसे नेगेटिव हैं और 5 पॉजिटिव हैं, और आप भ्रमित हो गए, कंफ्यूज हो गए कि कौन से सही है, कौन से गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। और ये जो थॉट्स हैं, ये विचार हैं, ये सब कुछ आपके करियर रिगार्डिंग है, आपकी फाइनेंशियल स्टेट के बारे में है कि मैं किस तरीके से अपने जो मनी फ्लो है अपने जीवन में, किस तरीके से मनी का फ्लो बढ़ाऊं, किस तरीके से अपने करियर में सही मूव लूँ। तो आप जो जितना अभी तक कंफ्यूज थे, इस कंफ्यूजन की स्टेट से आपको बाहर निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन की स्टेट से आपको बाहर निकाला जा रहा है। नाउ यू आर टेक राइट डिसीजन, अब आप सही डिसीजन लेने वाले हैं। नंबर सेवन, अभी तक आप, अब आप सही मूल्यांकन करेंगे, और ये आपके लिए एक मैसेज भी आपके एंसेस्टर का कि ये टाइम है आपको सही से देखने का, आपने अब तक कितना इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट ऑफ मनी, इन्वेस्ट ऑफ टाइम, आपने कितना इन्वेस्ट किया और आपको कितना उसका रिजल्ट मिला है, और आपके पास कितना रिटर्न बचा हुआ है। ओके, मतलब जैसे अगर आप किसी करियर की बात कर रहे हैं तो किसी करियर में आपने कितना टाइम दिया, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस मिला, उससे आपने कितना सीखा, कितना आपके पास सीखना बाकी है,
क्या आपने गेन किया, आपको गेन क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, इसका कैलकुलेशन करने को आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपसे। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, किसी रिश्ते में आपने कितना समय दिया, कितना अपना प्रेम दिया, कितना योगदान दिया, कितना आपको रिटर्न मिला, क्या करना बाकी है, इस पे एक मूल्यांकन करने को कहा जा रहा है। क्योंकि इस स्टेट से आपको निकलना है जहाँ पे आप कंफ्यूज थे, जहाँ पे आपके पास आपको ये नहीं समझ में आता सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा व्यक्ति मेरा मित्र है, कौन सा शत्रु है। कुछ इस तरह के लोग भी थे आपके आसपास, इसलिए आपके थॉट्स जो है वो मिक्सचर हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स का मिक्सचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग है, जो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पर ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो आपके लिए इविल हैं। तो इन दोनों के बीच में आप कंफ्यूज, तो यहाँ से निकल के आपको मूल्यांकन करने को कहा जा रहा है। आपने क्या इन्वेस्ट किया है, कैसे इन्वेस्ट किया है, आपके एंसेस्टर्स इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। 108 तो मुझे बहुत ज़्यादा चैनल हुआ था 108 नंबर, और इस वक्त आपको 108 ये भी मैसेज हो सकता है कि आपको 108 बीट्स की माला पहननी चाहिए, या आपको चैंटिंग शुरू करनी चाहिए, अपनी माला के साथ चैंटिंग शुरू करनी चाहिए, या आपके पास 108 आप काउंट करके कुछ रख सकते हैं, आपके पास दाल रख सकते हैं, कोई भी एक सॉलिड आइटम 108 काउंट करके रख सकते हैं अपने पास। और ये कार्ड इतनी बार आया था ना जब मैं शफलिंग कर रही थी, पर मैं फिर से पिक करना चाहती थी कि ये कार्ड आता है कि नहीं आता, तो इसके बारे में जान लेते हैं। 108 आप कुछ काउंट करके भी रख सकते हैं, और अपने ईष्ट या आराध्य देव का नाम मॉर्निंग में 108 बार उसको काउंट कर करके रख के, और 108 बार चैंट करके अपने दिन की शुरुआत और दिन का अंत कर सकते हैं। ये भी आपके लिए मैसेज हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी कि आपके एंसेस्टर क्या मैसेज देना चाहते, तो ये कार्ड दो बार इवन तीन बार ये कार्ड आया था, व्हील ऑफ फॉर्चून, पर मैंने इसको कंसीडर नहीं किया कि आपके सामने ही इसको कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं कार्ड शफल करके फिर से निकाल रही हूँ, ये कार्ड अपने आप उछल उछल के बाहर आ रहा है, अपने आप आ रहा है। नंबर 10 यहाँ पे देखिए, नंबर 3 की बात, जो नंबर 3 है ना वो जुपिटर को दिखाता है, गुरु को दर्शाता है। और जब हमारे जीवन में गुरु का सपोर्ट होता है, बृहस्पति का सपोर्ट होता है, तो क्या होता है, तो हमारे जीवन में ज्ञान होता है। और जब आप ज्ञान से धन कमाते हैं, ज्ञान और धर्म से धन कमाते हैं, तो वो आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। क्योंकि ज्ञान इसके साथ धन आ रहा है, ज्ञान और इसके साथ धन आ रहा है, और फिर ये जो आपकी लाइफ में एक्सपेंशन करता है, खुशियां लेके आता है, ये टिकाऊ होती हैं, ये आपके और आपके परिवार के भले के लिए होते। तो यहाँ पे भी नंबर 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 10 ये कार्ड भी जुपिटर का कार्ड है, मतलब आपके जीवन में गुरु की कृपा होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखाता है चेंज ऑफ लक, मतलब चेंज ऑफ लक, गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में आना। अब तक आपने जो भी बीज बोए थे, जो आपने बीज बोए थे उसके अंकुरण का, उसके फल देने का समय आ गया। आपने जो एफर्ट पास्ट में डाले थे, जो आप काम करते आ रहे थे, उसका आपको सही रिवॉर्ड या सही फल नहीं मिला था, वो उसका रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है, आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं कि आपने जो कुछ किया था ना पास्ट में, इसी लाइफ में पास्ट में कुछ सालों से आपने जो कुछ किया है, जितने एफर्ट डाले हैं, उसका रिजल्ट मिलने का समय आ गया है। क्योंकि आपका ज्ञान शुद्ध हो रहा है, आपकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, ईश्वर की कृपा है, एंसेस्टर्स की कृपा है, तो आपके भाग्य का बदलने का समय आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आपके भाग्य का बदलने का समय आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो घड़ी है, जो समय था, वो एक जगह पे रुक गया था। नाउ कुछ ऐसा होगा कि वो एक बार में मूव कर जाएगा, जैसे 12 पे सोई थी और वापस से पूरा रोटेट होके वो 12 पे आ जाए, कुछ इस तरीके की सिचुएशन होने वाली है। कंप्लीशन, एक चैप्टर का कंप्लीशन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और ये जो नया चैप्टर है ये बहुत फ्रूटफुल है, बहुत जॉयफुल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो जो कुछ भी आपने बोया था उसका रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे देखिए जो कुछ बोया था उसका रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे भी मुझे एक मैसेज वही एंसेस्टर का आपके रिसीव हो रहा है कि जैसे कंप्लीट होना, जैसे उनकी यात्रा का भी पूरा होना, जो आपके एंसेस्टर हैं जो ये मैसेज आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो यहाँ से गए, पृथ्वी लोक से गए, वो पितृलोक में थे, अब वहां से अपनी शक्तियों के बाद उन्होंने देखा कि कोई ऐसा काम है जो उनके सिवा यहाँ पे कोई पूरा नहीं कर सकता। उनने एक डिवाइन सोल का चयन किया अपने ही परिवार में और उसको तैयार किया, उसकी यात्रा में उसका सहयोग किया, अब उसी के गर्भ से वो जन्म लेकर वापस आना चाहते हैं, उस चक्र को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि उनके आने से यहाँ पे देखिए मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी
इस महिला के जीवन में देखिए जैसे ही इसका गर्भ धारण हो रहा है, इसके लिए सुख समृद्धि बहुत बढ़ जा रही है, 10 times मल्टीप्लाई हो जा रही है। वैसे ये महिला वैसे ही भाग्यशाली है, पर इनके गर्भ में इसके आने से जो इनके ही पितर हैं, इनके जीवन में खुशियां, पोजीशन, पावर, जैसे एक ऐसी वुमेन है जो हाउसमेकर है। हाउसमेकर का मतलब होता है जो पूरे परिवार को पिरो के रखती है, मोतियों में पिरो के रखती है। जैसे परिवार का हर सदस्य मोती है तो उसको 108 की माला बना देना, इस तरीके की हाउसमेकर। हाउसमेकर होने का मतलब ये नहीं है कि वो वर्क नहीं करती, वो काम नहीं करती, पर एक ऐसी महिला जो आज के टाइम में भी ऐसी है जो पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है, सब में खुशियां बांटती है, सब में प्रेम बांटती है, बहुत ही ग्राउंडेड है, पारंपरिक है, अपनी शैली को आगे बढ़ाने वाली है। इनका भाग्य पूरी तरीके से बदलने वाला है जैसे ही ये वो पितृ इनके पास आते हैं, जन्म लेके इनको माँ बनाने आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाने आ रहे हैं। ये वुमेन चाहे वर्किंग हो चाहे हाउसमेकर हो, पर इनके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो डिवाइन फेमिनाइन की है, समृद्धि की है, महालक्ष्मी के चरण है इनके। जहां पे इनके कदम पड़ते हैं वहां पे अपने आप समृद्धि आने लगती है। ये जिससे मित्रता करती है उनके जीवन में खुशहाली आने लगती है, ये लोगों के लिए गुड फॉर्चून है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी मुझे यही दर्शा रहा है कि आपका समय बदलने वाला है। और आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि तुम इस स्टेट में थे जहाँ नेगेटिव थॉट्स थे, एंजाइटी थे, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, केवल डार्क एरिया था। मतलब देखिए एक तरफ रात है और एक तरफ दिन है, तो रात से दिन की तरफ आप जा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरी रात से और एकदम सूर्योदय, बिना बादलों का सूर्योदय, जहाँ पे कोई बादल नहीं है और इस तरीके का प्रकाश है, इस तरीके से आप इस एनर्जी में जा रहे हैं। ये आपके एंसेस्टर का मैसेज है, बहुत ही सुंदर मैसेज है। यहाँ पे आपको सेलिब्रेट करने का कुछ मौका भी मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या बहुत ही जल्द आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं जिसके बारे में आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि यहाँ पे जहाँ पे भी आप कन्फ्यूज थे लोगों से, आइडियाज से, थॉट से, तो वहाँ पे आपको मूल्यांकन, कैलकुलेशन करने को कहा जा रहा है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और आप देखिए आपको इतना रिजल्ट मिला है, उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन लेने की जरूरत है। कोई अच्छी खबर आपकी तरफ आती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो ये आपके लिए आपके एंसेस्टर्स के मैसेज थे जो अभी आपसे वो कहना चाहते थे। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखकर बताएं, जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दें, जो आपके लिए है उसे रिसीव करें और उसे अप्लाई करें। आप देखेंगे आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।